बहुत खुशी है। बालांगीर में 430 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर टू लेन पेव शोल्डर बाईपास का शिलान्यास करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसका निर्माण अक्टूबर 2025 तक पूरा होगा। इसके बनने से शहर के अंदर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और समय की बचत होगी। इस बाईपास में 4 लेन की 3 आरओबी, एक बड़ा ब्रिज, 4 छोटे ब्रिज, 2 फ्लाईओवर और 7 अंडरपास और 23 कलवर्ट्स, 4 बड़े और 7 छोटे जंक्शन बनाए जाएंगे। इस बाईपास के बनने से पश्चिमी ओडिशा से आंध्रा जाने वाले वाहनों को सुविधा मिलेगी और इस बाईपास के निर्माण से किसिंगा और बरगढ़ की कनेक्टिविटी भी अच्छी हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से इस बाईपास से औद्योगिक विकास और जाने के सपने बचने के कारण स्वाभाविक रूप से प्रगति और विकास के लिए उपयुक्त होगा। ये बाईपास बनने से बारगढ़, बलंगीर, कालहांडी, खुरापुर, कंधमाल जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों का विकास को भी गति मिलेगी। हमारी सरकार की तरफ से ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास को हमने प्राथमिकता दी है और पिछले 9 साल में एनएच की जो लंबाई थी वो 5753 किलोमीटर हो गई है, जिसमें वहाँ 372 किलोमीटर 6 लेन, 1545 किलोमीटर 4 लेन और 2066 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का सड़क का निर्माण कराया गया है। 2023 में 330 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा और 2023 में 888 किलोमीटर का काम अवार्ड कर दिया जाएगा। ओडिशा में करीब 60,000 करोड़ की लागत से 1342 किलोमीटर के मार्ग का डीपीआर भी बन रहा है और जिसके कारण ओडिशा का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सुधरेगा। करीब 25,000 करोड़ की लागत से बन रहे रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर में ओडिशा में 240 किलोमीटर का काम मार्च 2024 में हो जाएगा। इस कॉरिडोर के बनने से नवरंगपुर कोरापुट क्षेत्र को सीधा फायदा होगा। 25,000 करोड़ की लागत से मुंबई कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर से संबलपुर देवगढ़ खड़गपुर की कलकत्ता से सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी और इसके अलावा भद्रक बालसोर हाईवे, कटक अंगुल संबलपुर हाईवे, बीरमित्रपुर राजमुंडा बारकोटी हाईवे, चांदीखोल पारादीप हाईवे से भी ओडिशा के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ी गति मिलेगी। मुझे विश्वास है कि ओडिशा ये काफ़ी स्पेशियस मिनरल्स जो है उसकी एक भूमि है और इसीलिए वैल्यू एडिशन होकर नए उद्योग भी निर्माण होंगे और रोड के कारण हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को भी सुविधा मिलेगी। विशेष रूप से बलंगीर बाईपास के लिए हमारी सांसद संगीता कुमारी सिंह देव, इन्होंने बहुत बार आकर इसका फॉलोअप मेरे साथ किया है। उनके प्रयास और मेहनत को निश्चित रूप से फल मिला है। मैं संगीता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। फिर से एक बार ओडिशा की जनता को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। विक्ट्री रोड 22 बरस रो एफर्ट उद्यम और पूरा मुई इटा गोटे जन को इटा क्रेडिट नहीं दे पारनी। इटा पूरा कलेक्टिवली बलांगीर और जनसाधारण ये बाईपास पाई सिंगल माइंडेडली लड़ी छन आउ इटा समस्तंकर विक्ट्री। आमे माने वाया मीडिया अच्छु प्रतिनिधि हिसाब से तांकर डिमांड को आमे मंत्री पाखे परस्यू करी करी रखी पार्मू, परंतु एफर्ट वाज कलेक्टिव आउ बलांगीर रो प्रत्येक नागरिक रो एफर्ट आज सफल है। आ मुई तो भाबुची आज को विजय दिवस हिसाब से पालन करवा के पड़वा। एटा भी नेशनल हाईवे हो बलांगीर सहर सोनपुर रोड रो गोटे फ्लाईओवर टाउन भितर हो जोटा जॉइन कर पटनागढ़ रोड रे किंबा टिटलागढ़ रोड जहाँ द्वारा कि ट्राफिक कमी जीवो से जहाँ भी हो बेटर लेट देन नेवर। देर हेले भी काम आरंभ हो सारी भित्तिप्रस्तर सिना देवार किसी देरी होती किंतु काम आरंभ हो सारी एवं काम जो आरंभ होई छी सेटा भी निम्नमान काम आरंभ होई छी किछ के सुनतु आमे सब जो सिस्टम रे अबे चालू सरकार आमे से सिस्टम भीतर आमे सर्व विभिन्न कार्यक्रम लउ छु एवं केंद्र सरकार तांको कार्यक्रम करछु हम राज्य सरकार तांको कार्यक्रम करछु बाबू छी ए समस्त को संबंध रे समस्त सहयोग रे कार्यक्रम से फॉरेस्ट क्लियरेंस बाकी रह जाय छै फॉरेस्ट क्लियरेंस पे आमे चेष्टा करतो तुरंत मिलिया पे। नहीं देखो सर्वप्रथमे मु माननीय केन्द्रमंत्री नितिन गडकरी जी आमर माननीय सांसद श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव जी विशेष करी माननीय केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जी
ଯାହାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କାରଣରୁ ଆଜି ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯେଉଁ ଦାବି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ତାହା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ରଖାହେଲା ଏବଂ କୁହାଗଲା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ଅଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ରାସ୍ତା, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଏ ବର୍ଷ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଜୀ ଏବଂ ଆମ ସାଂସଦକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ବାବୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଲେ କି ଏଇଟା ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଲେ, ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ କହିବା କଥା। ନରସିଂହ ବାବୁ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ, ସେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ 2001 ମସିହାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 2004 ମସିହାରେ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ 2004 ପରେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କରି ସରକାର ଆସିଲା, ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ରହିଲା 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟା ଇଞ୍ଚ ବି ଆଗେଇଲାନି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା 2013 ମସିହାରେ ସେ DPRକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 2014ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସରକାର ଆସିଲା, ତାପରେ ଯାଇ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି 2019 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ଏଠି ତଳସ୍ତରରେ ରାଜନୀତି କରି ଏମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଦା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ଏମାନେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 0.67 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା 2-lane ପେପ୍ ସୋଲ୍ଡର ବାଇପାସ୍, ଏଥିରେ 4ଟି 3ଟି ଆରବି ଅଛି, 2ଟା ଫ୍ଲାଇଓଭର ଅଛି, 7ଟା ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଅଛି ଏବଂ ବ୍ରିଜେସ୍, କଲଭର୍ଟସ, ଜଙ୍କସନ୍, ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ଯାହା ରହିବା କଥା ସବୁ ରହିଛି। ଏବଂ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ, ଆମେ ଏତେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ ସେପାରେଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଏଥିରେ ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲି ଆକ୍ସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହାଇୱେ ହିସାବରେ କାମ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯାତାୟାତର ସ୍ପିଡ୍ ଅଧିକା ରହିବ ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ବି ରହିବ ସାଇମେଣ୍ଟେନିୟସ୍ଲି, ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରବାସୀଙ୍କର ବି ଉପକାର ହେବ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଦେଇ ଯାତାୟାତ ସୁଗମ ହେବ, ନିରାପଦ ହେବ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ।